पिछले कुछ दिनों से गिर रहे मावठे के कारण इंदौर शहर में ठंड का असर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में शहर में कोहरा और बढ़ सकता है, साथ ही पारे में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आने वाले समय में इंदौर में ठंड और बढ़ सकती है। इसके अलावा आगामी दिनों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से भी कम हो सकता है। अभी वर्तमान मौसम की बात करें तो अभी हम पिछले सप्ताह से देख रहे थे कि बारिश आ रही थी, लेकिन अभी जो मैक्सिमम तापक्रम है वो स्थिर बना हुआ 23-24 डिग्री के आसपास, लेकिन जो मिनिमम तापक्रम है उसमें उतार चढ़ाव आएगा और अभी एक दो दिन में ये 10 डिग्री के नीचे जाने की संभावना। उसकी वजह यह है कि अभी हवाओं की दिशा है वो बदल गई है, वो उत्तर पूर्व हो गई है और जो हमारा उत्तरी इलाका है जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बर्फ़ हो रही है और पानी भी गिरा था, वो दोनों एक साथ हो गया, तो जिसकी वजह से अब क्या होगा कि उधर से आने वाली हवाओं के साथ में नमी आएगी और नमी के साथ में जो लोअर टेम्परेचर वो जाएगा तो अत्यधिक ठंडी हवाएं आएंगी, जिसके कारण शीतलहर जैसा माहौल रहेगा और मौसम लगभग खुला रहेगा। एक दो घंटे बादल युक्त मौसम रहने की संभावना। शहर में अब जल्दी दिन और रात का तापमान और गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।